बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हाजी नवाज खोखर और इम्तियाज अली खोखर की सालाना बरसी, मौलाना तारिक जमील का खिताब और दुआ। बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफी बरादरी और अहले इलाका की शिरकत। चौधरी मंजूर, कैप्टन तारिक सत्ती, वाजिद अब्बासी, राजा हारून, शफकत चीमा और दीगर की शिरकत। सीनियर सियासतदान हाजी नवाज खोखर और इम्तियाज अली खोखर अलमारूफ ताजी खोखर की सालाना बरसी का इनकाद इनकी रिहाइश गाह डेरा ताजी खोखर में हुआ, जिसमें मौलाना तारिक जमील ने फिक्र अंगेज खिताब किया। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफी बरादरी और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील ने वालदैन और इस्लामी तालीमात पर फिक्र अंगेज खिताब किया, जिसमें फलाही कामों पर खोखर बरादरी को खराज तहसीन पेश किया। शोबिस के फनकार शफकत चीमा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, चौधरी मंजूर नंबरदार, रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन तारिक सत्ती, राजा हारून, राजा कमरान आबिद, वाजिद अब्बासी, चौधरी ताहिर, राजा नासिर राजपूत, चौधरी मसूद, अब्दुल रजाक जट, सीनियर सहाफी जाहिर सत्ती, जफर सईद सत्ती, अनस बिन वकार अब्बासी, फैसल अब्बासी, बशीर मलिक, राजा कमरान अरसलान, यासिर सईद सत्ती, टिकटॉकर शहबाज शेर और बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इस मौके पर उमर खोखर और फरख खोखर ने तमाम शुरका का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाल्लाह अपने बुजुर्गों का फिलाही मिशन जारी रखेंगे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ जफर सईद सत्ती, तर्जमान मिल्लत न्यूज, इस्लामाबाद। फरख खोखर साहब, आज उनके वालिद और उनके ताया जान की बरसी थी, इस हवाले से एक वालदेन के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और आइंदा के मुस्तकबल के लाए अमल के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो फलाई काम कर रहे थे उनके वालिद उसी को जारी सारी रखेंगे और इस हवाले से वो आगे मजीद क्या कहना है? जी फरख भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं यहाँ लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इतनी बारिश में मेरे इलाके के मेरे करीबी लोग आए हैं, मौलाना तारिक जमील साहब का जो बीमारी की हालत में आए हैं, जिन लोगों के वालदैन जिंदा जी, मैं तो ये कहूँगा उनकी कदर करें। आज साल हो गया, वाला साहब फोत हुए, लेकिन कोई ऐसा हाल नहीं है कि मैंने उन्हें मिस ना किया, मेरे साथ है।